बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राज्य के पॉलिटेक्निक काशीपुर मेले का हुआ आयोजन, जनार्थी मीडिया कॉलेज में संपन्न हुई वाद विवाद प्रतियोगिता, मंडी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने की बैठक, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला इकाई ने की नई पहल, कोतवाली पुलिस ने 2015 से फरार चल रहे वारंटी को किया गिरफ्तार, पुलिस ने शांति भंग में किया एक चालान। अब खबरें विस्तार से। प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के कुमाऊं जोन के राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल यूपी पॉलिटेक्निक संचालक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में कृषि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी आदि कई अन्य पाठ्यक्रम शामिल हैं। सरकार का विजन भी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे अध्यापक हैं हमारे विभिन्न पॉलिटेक्निकों में एज वेल एज विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने विगत वर्ष ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी और इसी कड़ी में हम लोगों ने कुमाऊं में ये रोजगार मेले का आयोजन किया है और जिसमें से जो हमारे 31 पॉलिटेक्निक के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उनके छात्र छात्राएँ और इसके अलावा 3 प्राइवेट जो पॉलिटेक्निक हैं उनके छात्र छात्राएँ हमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी लगभग इसमें 1220 बच्चों ने पंजीकृत किया है और 67 कंपनीज ने भी पंजीकृत किया है और मेरा ये अथक प्रयास है कि जो भी यहाँ पर डिप्लोमा में पढ़ रहा है, जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, प्रत्येक छात्र को हम रोज़गार दे सकें, ये हमारा उद्देश्य है और यही हमारी सरकार का और हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग का यही लक्ष्य है। और इसी कड़ी में ये कुमाऊं में जो है रोजगार मेले का आयोजन है, हम लोग गढ़वाल में, देहरादून में मई के सेकेंड वीक में करने जा रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है। सर, कितनी कंपनीज इसमें प्रतिभाग कर रही है? 67 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी जो मुझे बताया गया है एक कंपनी और रजिस्ट्रेशन कर रही है, लगभग 32 कंपनियाँ, अभी 15-20 मिनट पहले तक 32 कंपनी आ गई थी, थोड़ा और भी कंपनी आने लगेंगी, आने वाली है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की और जितनी भी ब्रांचें में यहाँ पर बच्चे आता रहते हैं, वेदर इट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या जो है केमिकल हो, केमिकल पेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो, सिविल हो, फार्मेसी हो, जितनी भी ब्रांचें हैं उन सबके ब्रांचों की हमने कंपनीज को बढ़ाया और बहुत मान। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। काशीपुर की जनार्थी मीडिया कॉलेज में आज वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगनी चाहिए या नहीं इस विषय को लेकर बच्चों द्वारा अपने अपने विषय बिंदु को बड़ी बारीकी से रखा गया। संस्था के चेयरमैन संतोष मेहरोत्रा ने बताया कि बच्चों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में लगातार सम्मिलित किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपने बोलने एवं समझने की शक्ति पर अध्ययन कर सके और अपना उज्जवल भविष्य बना सके। आज अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया, जिस दौरान काशीपुर के विभिन्न स्थानों से महिलाओं ने आकर इसमें प्रतिभाग लिया। आपको बता दें कि देर से शादी करने के साइड इफेक्ट को एक प्ले के माध्यम से दर्शाने के लिए संस्था द्वारा प्रयास किया गया। मित्तल अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष आज संपूर्ण महिला प्रकोष्ठ द्वारा एक नाटक द्वारा समाज में बदलाव लाने की कोशिश की गई है, जिसको हम जल्दी सोशल मीडिया द्वारा देख पाएंगे।
प्रियंका अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष। आज एक चर्चा के माध्यम से जो समाज में देर से शादियां हो रही हैं उसके कितने भी साइड इफेक्ट और इफेक्ट दिख रहे हैं वो दिखाने की एक प्ले के माध्यम से कोशिश की गई है। कृषि मंडी गेस्ट हाउस में आज पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर भाजपा जिला प्रभारी सुरेश भट्ट व काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पीएम मोदी के 30 अप्रैल को होने वाले 100वें एपिसोड को लेकर किस तरह से ऐतिहासिक और भव्य बनाया जाए उस पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में फरार चल रहे एक वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि नागनाथ मंदिर स्थित कन्हैया भटनागर 2015 के मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पारिवारिक विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा करते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया है। आपको बता दें कि सोमवार की देर शाम एसआई कपिल काम्बोज ने गोपीपुरा निवासी सन्नी अरोरा पारिवारिक विवाद के चलते लड़ाई झगड़ा कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए चालान किया है। आज के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज के साथ।